शहर के भगत चौराहा स्थित होम्योपैथिक चिकित्सालय के मुख्य गेट के बाहर एक अज्ञात वाहन स्वामी अपनी यूएन कार खड़ी कर कहीं चला गया। चिकित्सालय के मुख्य गेट के बाहर विगत दो दिनों से खड़ी होते कारण कार के कारण चिकित्सालय में आने वाले रोगी तथा चिकित्सा कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दो दिनों में भी वाहन स्वामी द्वारा कार को वहां से नहीं हटाने पर गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी विक्रम सिंह ने सिटी थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद यातायात प्रभारी प्रसन्न काठात मौके पर पहुंचे तो पाया कि एक संख्या RJ34CA0847 चिकित्सालय के मुख्य गेट के बाहर खड़ी थी। वाहन स्वामी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर यातायात प्रभारी काठात ने थाने से क्रेन बुलवाकर चिकित्सालय के बाहर खड़ी कार को क्रेन की सहायता से सिटी थाने पहुंचाया। काठात ने बताया कि होम्योपैथिक चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी की शिकायत पर कार को क्रेन की सहायता से थाने पहुंचाया गया है। वाहन स्वामी के आने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय के डॉक्टर साहब विक्रांत जी विक्रम सिंह जी का टेलीफोन आया कि हमारे अस्पताल के मेन गेट पर एक ईओन गाड़ी जिसके नंबर RJ34CA0847 है जो कल से खड़ी है, गेट में आने जाने में परेशानी हो रही है। तो जाके देखा तो गाड़ी वहाँ खड़ी थी। गाड़ी को क्रेन की सहायता से लाकर सुरक्षित थाने पर खड़ी करवाई गई है। वाहन स्वामी आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।